गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 पैकिंग विच इज रिटन बाय जेरोम के जेरोम। ये चैप्टर हम करेंगे। इस चैप्टर में राइटर पैकिंग एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि कोई कैसे फ्लॉन्ट करता है कि मैं इस चीज में माहिर हूँ, मैं उस चीज में माहिर हूँ। तो इसमें जो राइटर है वो खुद इसमें क्या है, फ्लॉन्ट करता है कि वो पैकिंग में सबसे ज्यादा स्किल्ड है, बहुत ज्यादा अच्छा है। सो इसके हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी। So let's begin the chapter. I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. I said I would pack. जैसे कि chapter का नाम है packing, तो इसमें क्या है, सब कुछ packing के बारे में है। वो बोलता है कि मैं पैक करूंगा। आई रादर प्राइड मायसेल्फ ऑन पैकिंग, ये कह रहा है कि मुझे अपनी पैकिंग स्किल्स पे मुझे क्या है, गर्व महसूस होता है। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। क्या पैकिंग एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे लगता है कि मैं बाकी जो इंसान है उनसे मैं कुछ ज्यादा जानता हूँ। इट्स सरप्राइजेस मी मायसेल्फ, ये चीज मुझे खुद को भी क्या है, हैरान करती है कई बार, समटाइम्स। हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर, कि यहाँ पर ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज, यानी कि वो जोर देकर उनको बोलता है, एम्फसाइज, इम्प्रेस्ड हियर मींस टोल्ड विद एम्फसाइज। वो उनको जोर देकर अपने दोस्त, ये थ्री, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का एक एक्सट्रैक्ट है, थ्री मैन इन अ बोट, ये क्या है, बुक का नेम है। इसमें थ्री फ्रेंड्स क्या है, ट्रैवलिंग करते हैं। तो यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को, जॉर्ज और हैरिस को जोर देकर कहता है, इम्प्रेस्ड का मतलब यहाँ पर क्या बोला मैंने, टोल्ड विद एम्फसिस, एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। और उनको बोलता है कि ये जो पैकिंग का जो चीज है, जो मामला है, वो ये पूरी तरह से मुझ मेरे ऊपर छोड़ दें, यानी कि प्राउडली वो फ्लॉन्ट कर रहा है। दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस That had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harry cocked his leg on the table. वो दोनों क्या है, इस बात के लिए मान जाते हैं बिल्कुल, और उनको ये क्या है, थोड़ा हैरान करने वाली चीज की weird लगती है। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. ये उनको थोड़ा सा हैरान करने वाली चीज लगती है, लेकिन वो क्या है, इस बात से वो मान जाते हैं कि ठीक है, हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दी। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, वो क्या है, झूलने वाली जो मूविंग चेयर होती है थोड़ी सी आगे पीछे, उस पर बैठ जाता है, और हैरिस अपने लेग्स को ऊपर उठाकर टेबल पर रख के वहां पर बैठ जाता है। दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, ये मुश्किल ही वो था जिसकी मैंने इच्छा की, जिसकी मैं चाह कर, इंटेंडेड मतलब डिजायर्ड। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harrison George should potter about under my direction, I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it. There are you, simple enough, really teaching them as you might say. कह रहे हैं तुम, जैसे मैंने इच्छा की थी, क्या थोड़ा मुश्किल था, यानी कि वो क्या कह रहा है कि मेरा ऐसा बोलने का मतलब ये नहीं था कि तुम लोग फ्रीली बैठ जाओ, मेरा बोलने का मतलब ये था कि मैं उन दोनों में सुपरवाइज करूंगा, यानी कि बॉसी नेचर शो करूंगा कि मुझे पैकिंग आती है लेकिन मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, ये करो वो करो, इस तरह से सोच रहा था। और हैरिस और वो दोनों क्या कर, पॉटर अबाउट का मतलब है टू डू समथिंग अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। अब वो इधर उधर घूम रहे होंगे तो उनको टोकूंगा कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, लेट मी डू इट, ये मुझे करो। देयर यू आर, सिंपल इनफ, रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। ये सब वही था, जैसे कि आसानी से हम बोल सकते कि ये सब वही था जो कि आप उन लोगों को सिखाना चाहते हो। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे इरिटेटेड मी, जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को लिया कि ठीक है पैकिंग हमने तुम पे छोड़ दी, ये चीज ने मुझे गुस्सा दिला दिया, नाराज कर दिया, इरिटेट कर दिया। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। कह रहे जब मैं पैकिंग कर रही हूं, जब मैंने उनको बोला कि पैकिंग का काम मुझ पर छोड़ दो, तो वो दोनों बैठ जाते हैं फ्री होकर, कुछ नहीं करते हैं। अब वो जब पैकिंग करता तो उनको कभी कुछ बोला कभी कुछ, लेकिन वो चाहता क्या था कि पैकिंग करने का मतलब मिला है कि मैं उनको बॉस करूँ, मैं उनसे खुद पैकिंग कराऊंगा बोल करके ये करो वो करो। लेकिन जब वो पैकिंग कर रहा है तो वो दोनों, उनको दोनों बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो
वो उनको देखकर इरिटेट हो जाता, गुस्सा हो जाता, कह रहा कि मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं की, मैं काम करूँ और बाकी लोग ऐसे ही फालतू में बैठे रहे, कुछ भी ना करें। I lived with a man once who used to make me mad that way. कह रहा एक बार मैं एक ऐसे इंसान के साथ रहता जो मुझे इसी तरीके से इरिटेट करता था, गुस्सा दिलाता था, पागल बना देता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. कह रहा वो सुस्ती से सोफा पर बैठा रहता था, खड़े, कभी बैठना कभी उठना, लॉल मतलब कभी बैठना है कभी उठना, सोफा पर कभी बैठ रहा है कभी उठ रहा है, और वो मुझे देख रहा है काम करते हुए, घंटों तक देखता रहता था। He said it did him real good to look on at me messing about. कह रहा वो मुझे ये बोलता था कि उसको ये ऐसा देखना अच्छा लगता है कि कैसे किस तरीके से वो messing about मतलब confusion create करना है, ठीक है, confusion मतलब कि कुछ ना कुछ कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे ये करना था, वो करना था, अब ये पैक करना था। कह रहा मुझे आप उस, वो मुझे ये बोल रहा था कि मैं तुझे कंफ्यूज देखकर मुझे ये अच्छा लगता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। कह रहा लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ, मैं आराम से नहीं खड़ा रह बैठ सकता, और ना ही मैं किसी दूसरे इंसान को जब मैं काम कर रहा हूँ तो वो उसको ऐसे ही सुस्त बैठा देख सकता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिंटेंडेंट एंड walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. और बल्कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं supervise करूँ, boss मतलब as boss की तरह मैं देखूँ, निगरान निरीक्षण करूँ, इधर उधर अपनी pocket में hands डालकर इधर उधर घूमूँ, move करूँ और उसको बताऊँ कि क्या करना है। It is my energetic, ये मेरा शक्तिपूर्ण क्या एक व्यवहार है। I can't help it, ये इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। However, I did not say anything. लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। बट स्टार्टेड द पैकिंग, लेकिन मैं उन लोगों को कह नहीं सकता था कुछ, लेकिन मैंने क्या किया, पैकिंग स्टार्ट कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी। ये एक लंबा काम हो गया जैसा कि मैंने सोचा था, उससे कुछ ज्यादा। मैंने तो ये सोचा था कि आसानी से हो जाएगी पैकिंग, मैं सिर्फ सुपरिंटेंड करूंगा, इधर सुपरवाइज करूंगा और वो लोग पैक करेंगे, लेकिन ये काम मेरे लिए कुछ लंबा हो गया। बट आई गॉट द बैग फिनिश एट लास्ट, लेकिन आखिरकार मैंने बैग पूरी तरह से फिनिश कर दिया, पैक कर दिया। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप इट, और मैं उसके ऊपर बैठा, उसकी तनिया मैंने खींच दी। स्ट्रैप मतलब जो उसके फीते हैं, तनिए हैं, उनको खींच देना। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिश। हैरिश पूछते कि क्या तुम अपने जूते इसमें नहीं डालोगे, बूट्स नहीं डालोगे। एंड आई लुक राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और मैंने इधर उधर देखा और मैंने देखा कि मैं तुमको डालना ही भूल गया। दैट्स जस्ट लाइक हैरिश, ये हैरिश जैसा ही है। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड until I had got the bag, shirt and strap, of course. कह रहा हरीश ऐसा है कि वो सिर्फ उसको ये सब देख रहा था, लेकिन तब तक नहीं बोले जब तक कि मैंने इस बैग को बंद करके उसके स्ट्रैप नहीं बांधी। एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और जॉर्ज इतनी बुरी तरह से जो हंसने लग जाता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, वो दोनों मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं। आई ओपन द बैग and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. फिर मैंने बैग खोला और उसमें बूट्स डाल दिए, और जैसे ही मैंने उसको बंद कर किया, जब मैं बंद करने जा रहा तो मेरे दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक करता है। Had I packed my toothbrush? कि क्या मैंने अपना टूथब्रश इसमें डाल दिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। फिर मुझे ये नहीं पता कि कैसे था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने इसको पैक किया है या नहीं किया। माय टूथब्रश इज ब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माय लाइफ अ मिजरी। क्या मेरी टूथब्रश ब्रश एक ऐसी चीज है जब मैं कभी भी ट्रैवलिंग करता हूँ तो बार बार आ जाती है, याद आती है मुझे कि मैंने डाली कि नहीं, और ये चीज मुझे क्या है परेशान करती है, मेरी जिंदगी को मुश्किल सा बना देती है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे सपना है कि मैंने इसको पैक नहीं किया। एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन, और मैं पसीने के साथ उसमें एकदम नींद से उठता हूँ। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बेड से खड़ा होता है। एंड हॉन्ट फॉर इट, हॉन्ट फॉर इट मतलब सर्च करना, ढूंढना, और उसको ढूंढने लगता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड इन अप इन माय पॉकेट हैंडकरचीफ। कह रहे फिर मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और मैंने इसको यूज करने से पहले ही पैक कर दिया था। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर मुझे फिर से उसको बाहर निकलना था
यूज करें क्या, इट इज ऑलवेज लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा लास्ट थिंग जिसको मैं बैग में से निकालता हूँ, एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट, फिर मैं दोबारा से रीपैक करता हूँ और फिर से भूल जाता हूँ, एंड हैव टू रश आउट, और फिर मुझे ऊपर जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, एंड एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और फिर मुझे ये मैं भूल जाता हूँ, उसको लास्ट मोमेंट पे लेकर आता हूँ उसको लास्ट टाइम पर, और उसको अपने पॉकेट में डाल देता हूँ हैंडकरचीफ में रैप करके. Of course, I had to turn every mortal thing out now. कह रहे हाँ, वास्तविक वास्तव मुझे अब हर एक उस चीज को बाहर निकालना था जो कि नश्वर है, कि जो नष्ट हो जाती है. And of course, I could not find, और मैं इसको ढूंढ नहीं पाया था. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. और वो सारी चीजें मुझे उस तरह से पूरी तरह से खोजने के लिए वो सारी चीजें फिर से उसी स्टेट में, उसी स्टेट में मैं उसको कर देता हूँ, यानी कि जैसे कि वर्ल्ड बन क्रिएट नहीं हुआ था उससे पहले जैसे चीज थी सारी, क्योस मतलब डिसऑर्डर में थी, रेन जिस तरह से वो डिसऑर्डरली तरीके से अपने राज करती थी उसी तरीके से हम सामान को फिर से कर देते हैं, यानी कि उसे पैक किया, लेकिन अपनी एक चीज को ढूंढने के लिए वो सारा सामान फिर से बिखेर देता है और उसको ढूंढने लगता है. ऑफकोर्स आई हैव फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, बट आई कुडंट फाइंड माय ओन. कह रहे हालांकि मैंने जॉर्ज और हैरिस की 18 बार 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 उस चीज को देख लिया, लेकिन मुझे मेरी एक बार भी नहीं मिली. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैं एक एक करके दोबारा चीजों को अंदर डालता हूँ, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट, और फिर सबको उसको उठाकर फिर उसको हिलाता हूँ. देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और फिर मैं देखता हूँ कि मुझे वो एक बूट में मिलती है. आई रीपैक वंस मोर, मैं फिर से दोबारा उसको पैक करता हूँ. When I had finished, George asked if the soap was in. जब मैं वैसे फिर से मैं पैकिंग करके खत्म करता हूँ, जॉर्ज मुझसे पूछता है कि क्या साबुन अंदर है. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. And I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. तो जैसे जॉर्ज पूछता है कि soap इसके अंदर है कि साबुन इसके अंदर है कि, तो बोलता है जेरोम कि मुझे परवाह नहीं है वो इसके अंदर है या नहीं है. वो उसको बैग को बंद कर देता है और उसकी तनिया खींच देता है. फिर उसको याद आता है कि मैं शायद मैंने मेरे चश्मा इसके अंदर डाल दिया. फिर से उसको दोबारा खोलना पड़ता है. देखो कैसे उसको वो कितना ज्यादा फ्लॉन्ट कर रहा था कि मैं पैकिंग में ये माहिर हूँ वो माहिर, और कितनी बार उसको बैग अपना खोलना पड़ गया. फिर से वो खोलता है. इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM. ये आखिरकार कब उसकी पैकिंग खत्म, सुबह लगा था और पैकिंग लास्ट में कब खत्म हुई, 10:05 पर रात को. And then there remained the hampers to do. और अभी तो जो फल की टोकरी वो जो चाहिए तो अभी रह ही रही थी. And then Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest and I agreed and sat down and they had a go. Harris कहता है कि हमने कम से कम that we should be wanting to start in less than 12 hours, कि मैंने हमने सोचा कि हम कम से कम 12 घंटे से पहले ही कर लेंगे. And thought that he and George had better to do the rest. उन्होंने ये सोचा था कि जॉर्ज और वो दोनों रेस्ट करेंगे. And I agreed and sat down. और मैं इस बात से agree हो गया और बैठ गया. And they had a go. They begin in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. वो अब दोनों क्या है? इसको बताना clearly ये बताना चाहते हैं कि कैसे पैकिंग करनी चाहिए. I made no comment. मैं उनको इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता. आई ओनली वेटेड, मैं सिर्फ देखता हूँ, इंतजार करता हूँ. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड. जॉर्ज को छोड़कर हैरिस दुनिया में सबसे खराब पैकिंग करने वाला. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एटसेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग. मैं सिर्फ देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि प्लेट का जो ढेर लगा हुआ, कप है, केतली है, बॉटल्स है, जार है, पाइस मतलब खाने की चीजें, स्टोव के ये सब देखता है कि सब, एंड फेल दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटेड. और वो महसूस करता है कि अब बहुत ही जल्द चीज क्या है, एक्साइटेड होने वाली, एक्साइटिंग होने वाली है. इट डिड, और ऐसा ही हुआ. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, एक कप तोड़ने से. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहला काम जो उन्होंने किया. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू. उन्होंने ऐसे किया कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकते थे, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और तुम्हें उसमें इंटरेस्ट दिलाने. देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश इट. और हैरिस ने क्या, टमाटरों के ऊपर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट होता है, उसका जैम
उसके ऊपर कर दिया, उनको पिचका दे, स्क्वैश मतलब पिचका देना। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून, और उनको टोमेटो किससे निकालने पड़े, चम्मच से निकालने पड़े। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी आई, एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, और अब वो बटर के ऊपर पाव रख देते हैं, ट्रोड ऑन मतलब पाव रख देना। आई डिडंट सी एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, मैं कुछ नहीं कहता लेकिन मैं वहां पर आया और टेबल के किनारे पर बैठ गया, और एंड वॉच देम, और उनको देखा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, ये बात उनको और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी जो कि मैंने उनको कहा था। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, ये बात उनको क्या थोड़ा और चिंतित करती है, एक्साइटेड करती है। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो चीजों पर पैर रख देते हैं, एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और अब कुछ चीजें अपने पीछे रख देते हैं। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और जब उनको चाहिए होती है तब उनको वो चीजें मिलती नहीं है। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, और वो खाने की चीज पाइज जो वो सबसे नीचे रख देते हैं। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और जो भारी चीजें हैं वो सबसे ऊपर रख देते हैं। एंड स्मैश द पाइज इन, और वो पाइज का भी वो कचरा निकाल देते हैं। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद वन एंड टू पेंस वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डेड, और फिर वो क्या है सब चीज के ऊपर नमक बिखरे देते हैं। एंड एज फॉर द बटर, जैसे कि बटर के बारे में, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद वन एंड टू पेंस वर्थ फॉर बटर इन होल लाइफ इन माई होल लाइफ देन दे डेड, और मैंने कभी एक ऐसा नहीं देखा कि दो लोग बटर के लिए, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कभी नहीं देखा कि दो लोग उस बटर के लिए क्या है दोनों एक साथ लगते हैं। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, और जब जॉर्ज अपने स्लीपर्स निकाले उन्होंने क्या किया उसको केटल में डालने की कोशिश की। इट वुडेंट गो इन, वो अंदर नहीं जाती है। एंड व्हाट वाज इन वुडेंट कम आउट, और जो उसके अंदर था वो बाहर नहीं आती है, यानी कि वो अपने स्लीपर करके देखता है कि दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, किसको डालने की कोशिश करते हैं बटर को, और जो चीज अंदर होती है वो बाहर नहीं आती है। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, वो आखिर में उसको निकाल लेते हैं और उसको चेयर पे रख देते हैं। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और हैरिस उसके ऊपर बैठ जाता है। एंड इट स्टक टू हिम, और वो उससे चिपक जाती है। एंड दे डिड वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वो उसको पूरे रूम में ढूंढने लग जाते हैं, उनको ये नहीं पता है उसके पीछे चिपकी हुई है। आई टेक माय ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द ऑन दैट चेयर एंड सेट जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, कह रहे मैंने तो शपथ ले ली, I put it down on that chair, कि मैं उस चेयर पर बैठ जाऊंगा। Said George, George ने कहा कि उसने बैठने के लिए, staring at the empty seats, George उस खाली सीट पर देखते हुए, घूरते हुए। I saw you do it myself, not a minute ago, said Harish. कहे मैंने तुम्हें देखा था कि मैं खुद कर लूंगा, जब मिनट के पहले की ज्यादा बात नहीं है, उसने हरीश ने बोला। Then they started round the room again, looking for it. फिर वो दोबारा रूम में घूमते हैं उसको ढूंढने के लिए। And they met again in the सेंटर एंड स्टार्टेड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और फिर दोबारा वो रूम के सेंटर में आते हैं, एक दूसरे की तरफ घूरते हैं। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज, कह ये बहुत ज्यादा असाधारण चीज है जिसको जो मैंने सुनी है, जॉर्ज बोलता है। सो मिस्टीरियस सेड हरीश, कहता बहुत रहस्यमय हो गई यार, कहाँ गई वो चीज। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हरीश एंड साइड, और फिर जॉर्ज हरीश के पीछे जाता है और उसको देखता है। उसने देखा, Why here it is all the time? He exclaimed indignantly. वो गुस्से में बोलता है कि ये बार बार यहाँ क्यों आते हो? गुस्से में बोलता है, Where? cried Harish. कहता है कहाँ? Spinning round, घूमता है. Stand still, can't you? roared George, flying after him. वो कहता है तुम सीधे से खड़े हो क्या? तुमसे ठीक से खड़ा नहीं हो जाता है? इस पर चिल्लाता है और वो उसके पीछे चाहता है. And they got it off. और फिर वो उसको निकाल लेते हैं, packed it in the teapot. और फिर वो उसको teapot में पैक करते हैं. Montmorency was in it all, of course. और मॉन्टमोरेंसी उनके डॉग का नाम है, वो इनके सबके बीच में है। मॉन्टमोरेंसी का एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट, और मॉन्टमोरेंसी का अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हर बात में हर चीज के बीच में आना और फिर डांट खाना। इफ ही कैन स्क्वेयर हिम इन एनीवेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील्स दिस हिज डे has not been wasted. कह जब तक वो कहीं पर एंटर नहीं कर लेते, स्क्वेयर मतलब एंटर करना जहां पर उसको जरूरत नहीं होती है, एंड बी अ परफेक्ट नेसेंस, और वो उसका मुसीबत का कारण नहीं बन जाता है,
एंड मेक पीपल मैड, यानी कि लोगों को परेशान नहीं करता, एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और जब तक उसके सिर पर चीजें नहीं फेंकी जाती हैं, देन ही फेस हिज डे वाज हैज नॉट बीन फेस्ड, तब उसको लगता है कि उसका दिन व्यस्त बेकार नहीं गया, यानी कि जब तक वो ऐसे काम नहीं कर लेता है तब तक उसको लगता है कि उसका दिन बेकार गया, जब वो ऐसे काम कर लेते हैं तब उसको लगता है कि शायद उसका दिन खराब नहीं गया, क्योंकि उसका उद्देश्य ही क्या होता है, किसी के बीच में टांग अड़ाना, उसको डिस्टर्ब करना, टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स इंस्टेड ऑफ लीव फॉर एन आवर इज हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन ही हैज सक्सेडेड इन कंप्लीशिंग दिस हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबिलीवेबल. जब तक कि कोई उसके ऊपर लुढ़कता नहीं है और उसको डांटता नहीं है लगातार एक घंटे तक, ये उसका हाईएस्ट एम है, ये उसका उद्देश्य है, एंड वेल ही हैज सक्सेडेड, जब इसमें वो सफल हो जाता है, पूरा कर लेता है, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबिलीवेबल, उसका जो गर्व है थोड़ा सा वो असहनीय हो जाता है. ही केम एंड सेट ऑन थिंग्स, सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो आता है और उन चीजों पर बैठ जाता है. मॉन्टमोरेंसी की बात चल रही है यहाँ पर, उनके डॉग की बात चलती है. जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. यानी कि जब भी वो कोई चीज पैक करते हैं वो उसी चीज पे बैठ जाते हैं जो ढूंढते हैं, वो उनको मिलती नहीं है, और जब भी वो किसी चीज को उठाने की कोशिश करते हैं वो हर चीज पे वो अपनी नाक घुसा देता है. कौन? वो डॉग. He put his leg into the jam. वो अपने पैर किसमें डाल देता है? जैम में डाल देता है. एंड ही वर्ड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स. और वो उसको क्या है, टी स्पून को इधर उधर करता है, डिस्टर्ब करता है, एंड उसको ऐसा लगता है कि जो नींबू है वो उसके ऐसा लगता है कि वो चूहे हैं. एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड थ्री ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम एंड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन. वो उस बास्केट हैम्पर मतलब बास्केट में घुस जाता है, उसमें तीन नींबू को पिचका देता है, स्क्वीज कर देता है, यानी कि वो किल कर देता है रेड समझ कर उनको, जब तक कि हैरिस उसको वहां से फ्राई पैन से मारकर बाहर नहीं निकाल देता है. Harris said, I encouraged him. Harris कहता कि मैंने इसको बढ़ा दिया. I didn't encourage him. कहता है मैंने इसको कोई बढ़ावा नहीं दिया. Dog like that doesn't want any encouragement. कहता है इस तरह के कुत्ते को किसी encouragement की जरूरत नहीं होती है. It's the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. कहता है ये तो उसका कुदरती चिन सिन कुदरती बात है उसके अंदर, ये उसकी साधारण सी original उसका ये पाप है जो कि उसमें पैदा हुआ तब से ही है, जो कि उसको इस तरीके से ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करती है, यानी कि उसको उतावला करती है. The packing was done at 12:50. अब 12:50 पर उनकी पैकिंग खत्म हुई, यानी कि लगभग 1 बजे रात के. And Harris sat on the big hamper. और हरीश क्या बड़ी बास्केट के ऊपर बैठ जाता है. And said he hoped nothing would be found broken. और कहता है कि शायद मुझे लगता है कि शायद अब कुछ भी टूटा हुआ नहीं होगा. George said that if anything was broken, it was broken. अगर George कहता है कि कुछ टूट गया तो टूट गया. Which reflection seemed to comfort him. ऐसा लगा कि वो अब राहत की सांस ले रहा है. He also said he was ready for bed. वो ये भी कहता है कि वो अब सोने जा रहा है, यानी कि थक चुके हैं वो सब. We were all ready for bed. हम सब बेड पर सोने के लिए तैयार है. Harris was to sleep with us that night. Harris उस रात हमारे साथ सोएगा. And we went upstairs. और हम सब ऊपर चले जाते हैं. We tossed four beds and Harris had to sleep with me, he said. हम बेड के लिए टॉस करते हैं और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ेगा, उसने बोला. Do you prefer the inside or the outside, Jay? वो कहते तुम्हें अंदर के साइड सोना या बाहर के, इनकी बेड को अगर दीवार के साथ टच किया तो वो पूछ रहे हैं एक दूसरे से. I said I generally prefer to sleep inside the bed. उसने कहा कि मैं जनरली अंदर के साइड सोने का प्रेफर करता हूँ. Harris said it was odd. कह रहा ये तो गलत, मैं वो उसको गलत बोलता. George said, what time shall I wake you fellows? वो जॉर्ज बोलता है उनको कि मैं तुम सबको कब उठाऊं. Harris said, 7. Harris बोलता है सुबह 7 बजे. I said, no, 6. और जनरल बोलता है कि मैं कहता हूं नहीं सुबह 6 बजे. Because I wanted to write some letters. क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखने थे. Harris and I had a bit of a row over it. Harris और मेरा इस बात पर थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है. रो मक्का मतलब यहाँ पर झगड़ा है, लाइन नहीं है. बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस. लेकिन आखिरकार क्या है, वो दोनों एग्री हो जाते हैं एंड सेड हाफ पास्ट 6. और वो 6:30 के लिए वो मान जाते कि 6:30 उठाना. वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड. हमने जॉर्ज को बोला कि हमें सुबह 6:30 बजे उठाना. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम. सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट
on getting out in the morning and went to bed ourselves. खैर जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया, हमें लगा हमें पता चल गया कि वो उसको सोए हुए थोड़ी देर हो गई है, तो हमने क्या किया एक सो वी प्लेस द बाथ, फिर हमने टब क्या है उसके नीचे रख दिया ताकि बेड के पास कि सुबह उठे और वो उसके अंदर गिर जाए, गेटिंग आउट जैसे वो सुबह उठेगा वो उसमें गिर जाएगा, एंड वेंट टू बेड और फिर ये सब कर कर हम लोग क्या है सोने चले जाते हैं। अब देखो इस चैप्टर में क्या था, सारे के सारे पैकिंग स्किल्स के बारे में डिस्कशन की है कि कैसे किसको कब, यानी कि जब भी पैकिंग करनी होती तो पहले हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए कि क्या चीज़ हमें पहले डालनी, ये नहीं कि जो सॉफ्ट चीज़ उनको नीचे और जो भारी चीज़ें हैवी चीज़ें उनको ऊपर, ये सब चीज़ें हमें पहले से माइंड में रखनी पड़ेगी कौन सी चीज़ नीचे डलेगी और कौन सी चीज़ लास्ट में डलेगी। अब देखो जेरोम जो इसमें राइटर है वो फ्लोंट कर रहा था कि वो पैकिंग में माए, लेकिन उससे भी इतनी ज़्यादा बार उससे गलती हुई है और उसने क्या किया कभी टूथब्रश डाल दिया कभी भूल जा रहा, उसको यही नहीं पता उसने क्या डाल दिया क्या, जब भी पैकिंग करते तो उसके लिए हमें लिस्ट बनानी है और उसमें फिर क्या है हमें टिक करते जाना कि कौन कौन सी चीज़ हमने डाल दी है और जो सॉफ्ट चीज़ें उनको सबसे टॉप पर रखना है, ये सब इसमें राइटर आपको बताना चाहते हैं। और ये भी कह रहा है कि कभी भी हमें अपनी स्किल पर किसी भी चीज़ पर हमें फ्लोट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए मैं इस चीज़ में माहिर हूँ, ये क्योंकि हम सब सीखते हैं, किसी को ये नहीं करना चाहिए कि तुझे ये नहीं आता तुझे वो नहीं आता, जैसे कि फ्रेंड्स आपस में कहते कि मैं इस चीज़ में माहिर हूँ इनको तो कुछ नहीं है मैं सुपरवाइज करूँ, अगर वो मिलकर करते और पहले ही काम बांट लेते तो उनका काम रात को 12:30 के बजाय बहुत पहले ही हो जाना चाहिए क्योंकि वो सुबह से उस काम में लगे हुए थे। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं कंप्रिहेंशन चेक के वो आप सॉल्व करेंगे, कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।